नमस्कार, आप लोग देख रहे चैनल वन और मैं हूँ संदीप मिश्रा। जम्मू कश्मीर G20 समिट की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है और जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक जो है पूरी तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। काफ़ी अहम ये समिट होने वाला है और तमाम बड़े बड़े देशों के दिग्गज जो है वो जम्मू कश्मीर में शिरकत करेंगे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल SS पठानिया है, रक्षा विशेषज्ञ भी है और सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस समिट को, क्योंकि पहली दफ़ा जो है श्रीनगर में ये G20 समिट होने वाली है? देखिए, इस समय अगर हम बात करते हैं, जब से हमें G20 समिट की मेज़बानी मिली है वो पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड था, जिसके अंदर मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरह से खुल के सामने आई। अभी मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाता हूँ। जब ये आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ था तो लोगों के दिमाग में काफ़ी शंकाएँ थी और पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह से रैटल हो चुके थे। पाकिस्तान और चाइना ने ये कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से ये प्रोजेक्शन की जाए कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसके अंदर लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। अभी 3-5 साल के बाद जब ये चीज़ें खुल के सामने आई हैं तो इस समय जो इमेज मेकओवर की बात करते हैं तो मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अपने जो इंडिया के जियो स्ट्रेटेजिकल, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल कुछ हद जो इंटरेस्ट है उनको इंटैक्ट करने के लिए, पूरी दुनिया को भारत की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोजेक्ट करने के लिए ये G20 समिट उन्होंने बाय डिज़ाइन कश्मीर में रखा, ताकि ये जितने भी देशों के वहाँ पे डेलीगेट्स या फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो पर्सनली उसको देखें और जो चाइना और पाकिस्तान का हाइब्रिड वॉरफेयर और प्रोपोगंडा चल रहा है इंडिया को बदनाम करने के लिए उसको पूरी तरह से नकार दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट है और ये इवेंट जो है ना सिर्फ मैसेज देगी पाकिस्तान और चाइना को, बल्कि इसका जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाएगा कि भारत की जो शक्ति है, इसकी जो सामर्थ्य है, इसकी जो डिप्लोमेटिक पावर है और जो लोग इसके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो कितना झूठा है और भारत की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली, समृद्ध और एक देश विद ए विल पावर, वो उसकी प्रोजेक्शन की ये शुरुआत है और बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसके लिए मैं मोदी गवर्नमेंट को पूरी तरह से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से बात की जा रही है, क्योंकि तैयारियां जिस तरह से देखी जा रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि, क्योंकि बात करें चाहे रोड बनाने को लेकर के हो या ब्रिज जिस तरह से बन रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सके और साथ ही साथ रोजगार के अवसर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है पर्यटन को, तो उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उस चीज़ में किस तरह से जो है आगे बढ़ोतरी आई? देखिए, इसके अंदर दो इशू इन्वॉल्व आते हैं। सबसे पहले कि जम्मू और कश्मीर की जो इंटरनल सिचुएशन है वो कितनी पीसफुल है, तो ये पूरी दुनिया को एक संदेश चला जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति है, जम्मू और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अभी आपने देखा होगा ये जो रियासी में पुल बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है। अगर आप देखें कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, अगर आप देखें बिजनेस की, तो हर तरफ से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो तरक्की कर रहा है। और ये तरक्की रुकी क्यों हुई थी, एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं 1 रुपया कश्मीर बेचता हूँ तो लोगों के पास 17 पैसे जाते हैं, 17 पैसा, बाकी जो 83 पैसा था वो कौन खा रहा था, सारे कश्मीर के पॉलिटिक्स से। उसके ऊपर पूरी तरह से अभी नकेल लग रही है। टेररिज्म आपने देखा होगा आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है, पत्थरबाज गायब हो गए हैं, हुर्रियत का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें विजिबल हैं लोगों को, ये अभी हमने दुनिया को दिखानी है और दुनिया उसके बाद ये डिसाइड करेगी या आने के बाद अपनी आंखों से चीज़ें देखने के बाद कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड स्टेट है या इस पर सिर्फ इंडिया का हक है और यहाँ पर कितनी पीस है और कितनी डेवलपमेंट है। पठानिया साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा, पाकिस्तान का जिस तरह से जिक्र किया, अभी भी जो है लगातार जो है ड्रोन के माध्यम से, चाहे वो नशीले पदार्थ हों या हथियार हों, कल देर रात की बात करें तो जिस तरह से रजौरी में एक ड्रोन को मार गिराया सेना ने और फिर फजीलका में भी सामने निकल गया, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, कहाँ? मैं आपका सवाल समझ गया सर। देखिए, पाकिस्तान के जो नए चीफ आए हैं आसिम मुनीर, वो एक फैनेटिक है, उनको कुरान जुबानी याद है, वो ISI के चीफ भी रह चुके हैं। उनकी जो अभी स्ट्रेटजी है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर
दोनों रीजन के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाया जाए, इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया जाए कि जम्मू एंड कश्मीर जो वो डिस्टर्ब स्टेट है और अपनी उनकी जो देश की प्रॉब्लम है लोगों का ध्यान हटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अभी उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि अगर हम ड्रोन देखें, ये पंजाब और J&K दोनों के अंदर बहुत एक्टिव है। बेसिकली ड्रोन क्या है, ये एक डिलीवरी सिस्टम है, इसके अंदर आप ड्रग्स भी बेच सकते हैं, वेपन भी बेच सकते हैं, करेंसी भी बेच सकते हैं, और ये एक चीपर तरीका है जिससे आपको रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। अभी बीच बीच में हम लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन कितने आगे सामान ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं वो किसी को पता नहीं है। नारकोटिक्स की अगर हम बात करें, उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो नारको टास्क फोर्स बनाई हुई है उसका जो दायरा है उसको एक्सपेंड करें, उसके अंदर आर्मी और पुलिस एक यूनाइटेड टीम बना के उसको किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो ड्रग्स हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में नहीं है। आपने पिछले देखा होगा एक आंकड़ा दिया गया था पार्लियामेंट में, 10 लाख से ज़्यादा ही, अभी ये स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके खिलाफ हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बनने से ये समस्या दूर नहीं होगी, हमें नारको टेररिज्म और जो बंदे इसके अंदर पूरी तरह से मुलविस हैं उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, तभी हमारा जो भविष्य है हमारे यूथ का वो सिक्योर हो पाएगा। सर आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरह से पाकिस्तान का आपने जिक्र कर दिया, चाइना को लेकर के जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मौजूदा सरकार पर लगातार निशाना साधती हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें, चाहे जब से गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से आप किस तरह से देख रहे हैं लद्दाख में जिस तरह से तैयारियां हो रही है और जिस तरह से वहां पे फौज को जो है पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लद्दाख की समय अगर हम सिचुएशन करें गलवान वैली की, दोनों तरफ से 55,000 के करीब जो है फौज है वो आमने सामने डटी हुई है। चाइना को अभी ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो उससे आगे नहीं आ सकते। अभी जितना एरिया उनके पास है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है वहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिमार्केटेड नहीं हो रखी है, वो डिस्प्यूटेड है। जहाँ तक रोड नेटवर्क की संभाल है, चाइना हमसे थोड़ा आगे है, वो अपने एरिए को काफ़ी डेवलप कर रहा है, हम उसमें थोड़ा पीछे हैं क्योंकि चाइना के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों देश जो हैं अपनी समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर चल सकें, अपनी जो देश की जो जनता को है उसको ली प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि युद्ध से या पोस्चरिंग ऑफ युद्ध से नुकसान ही होता है। सर जिस तरह से बात करें, जैसे मौजूदा सरकार ने कहा था कि कश्मीर से लेकर के जितना भी अरुणाचल तक की बात करें तो पूरी तरीके से वहाँ पर जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को अभी दिया भी गया कि आप पूरी तरीके से देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम BJP गवर्नमेंट की बात करते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ, जब ये अक्षय चिन्ह 34,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने काबू किया था, तो नेहरू जी का ये स्टांस था कि उस एरिए की क्या जरूरत है जिसके अंदर घास का एक तिनका पैदा नहीं होता। नेहरू और कांग्रेस के रिजीम में 2014 तक उन्होंने बॉर्डर एरिया के अंदर रोड की डेवलपमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि उनको डर था कि अगर चाइना कल को आ जाता है तो वो उसी रोड नेटवर्क को यूज़ करके हमारा नुकसान कर सकता है। तो अभी जो शिफ्ट आया है पॉलिसी में, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया चाइना के खिलाफ, उसकी पूरी देश में विदेश में चर्चा हो रही है। और चाइना जो है इतना शक्तिशाली नहीं है, हम भी एक बहुत शक्तिशाली देश हैं और चाइना की जो कमज़ोर कड़ी है वो है पैसिफिक ओशियन के अंदर, जहाँ मलाका स्टेट के अंदर उसका 85% जो सामान वहाँ से आता है, और एक छोटी सी वो स्टेट है 3 या 4 किलोमीटर की, और जो क्वाड बना हुआ अभी जिसमें अमेरिका भी हमारे साथ है, जापान भी हमारे साथ है, तो उसको वहाँ पे पूरी तरह से निचोड़ दिया जा सकता है। और चाइना को भी इस चीज़ का पता है, तो चाइना भी अभी कोई ज़्यादा हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन अपने देश की देखिए कम्युनिस्ट Xi Jinping ने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ तो दिखाना है, तो वो अपनी जो इस्लामी स्लाइस पॉलिसी है उसके अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारा चाइना के साथ वो एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए कर्नल SS पठानिया, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरह से ये जो महत्वपूर्ण G20 समिट हो रहा है भारत देश में और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और श्रीनगर में पहली मर्तबा हो रहा है, इससे विदेश में
एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों को ये पता चलेगा कि कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य हैं और कहीं ना कहीं पर्यटन को और साथ ही साथ रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा और करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को भी चला जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल वन। नमस्कार।